हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैप कोडिंग। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुश डोमिनोज। तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और वहाँ उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ डोमिनोज, एक एरे गिवन है, उसमें हमें कुछ डोमिनोज गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये देखते हैं, देयर आर एन डोमिनोज इन अ लाइन, वी प्लेस ईच डोमिनो वर्टिकली अपराइट। तो हमने एन डोमिनोज को प्लेस कर रखा है और सारे सीधा खड़े हैं, ठीक है। इन द बिगनिंग वी साइमल्टेनियसली पुश सम ऑफ द डोमिनोज ईदर टू द लेफ्ट और द राइट। तो हमने क्या किया, जल्दबाजी में कुछ डोमिनोज को लेफ्ट की तरफ पुश किया, कुछ डोमिनोज को राइट की तरफ पुश किया। उसमें से क्या होगा, हर सेकंड कुछ डोमिनोज लेफ्ट की तरफ गिरेंगे और कुछ डोमिनोज राइट की तरफ गिरेंगे, ठीक है। अब कोई बंदा लेफ्ट की तरफ गिरेगा तो अपने लेफ्ट वाले को डिस्टर्ब करेगा, कोई बंदा राइट की तरफ गिरेगा तो राइट वाले को डिस्टर्ब करेगा। हमें फाइनली क्या बताना है, हमें फाइनली ये बताना है कि कौन सा डोमिनो जो लेफ्ट की तरफ गया उसने कितने लेफ्ट डोमिनोज को डिस्टर्ब किया, और जो राइट की तरफ गिरा उसने कितने राइट डोमिनो को डिस्टर्ब करा, और फाइनली में कौन कौन से डोमिनो सीधा खड़े रहे, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं मैंने क्या कहा। देखो, जो हमें इनपुट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा कि जो डोमिनो लेफ्ट की तरफ गिरने वाला है उसके लिए हमने एल शो किया होगा हमारे एरे में, और जो डोमिनो किसी तरफ नहीं गिरने वाला उसके लिए हमने डॉट रख रखा है। तो यहाँ पे भी डॉट रहेगा, यहाँ पे राइट रहेगा क्योंकि राइट की तरफ गिरने वाला है। यहाँ पे दो डॉट रहेंगे, यहाँ पे एक और डॉट रहेगा, ये लेफ्ट की तरफ गिरने वाला है, ये राइट की तरफ गिरने वाला है, यहाँ डॉट लेफ्ट डॉट डॉट। तो ये हमारा इनपुट रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि जब डोमिनो गिरेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे, और इंटरप्ट करने के बाद कुछ डोमिनोज लेफ्ट की तरफ गिर जाएंगे, कुछ डोमिनोज राइट की तरफ गिर जाएंगे। तो देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। देखो, जब एक डोमिनो लेफ्ट की तरफ गिरता है तो अपने लेफ्ट वाले को डिस्टर्ब करेगा, तो ये क्या होगा, ये डोमिनो अपने लेफ्ट वाले को डिस्टर्ब करेगा और ये दोनों गिर जाएंगे, ठीक है, ये दोनों डोमिनोज गिर जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इस डोमिनो की बात करूं तो ये डोमिनो अपने राइट वाले को डिस्टर्ब करेगा और ये दोनों गिर जाएंगे। तो जब ये एक डोमिनो यहाँ खड़ा है, जब उसका लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ गिरता है और राइट वाला राइट की तरफ गिर जाता है, तो क्या जो बीच में डोमिनो खड़ा है उस पर कुछ असर आएगा? नहीं भाई, उस पर तो कोई असर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, उसको इंटरप्ट करने वाला कोई था ही नहीं। बट वहीं पर अगर मैं इस डोमिनो की बात करूँ तो इसमें क्या है कि जो लेफ्ट वाला डोमिनोज है वो राइट की तरफ गिर रहा है, और जो राइट वाला डोमिनो वो लेफ्ट की तरफ गिर रहा है। इसमें दोनों लेफ्ट और राइट जो डोमिनोज है वो अपोजिट डायरेक्शन में गिर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जो बीच वाला डोमिनो वो नहीं गिर रहा, ठीक है। वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये डोमिनो गिर क्यों नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो डोमिनो है ये राइट की तरफ गिर रहा है, और लेफ्ट वाला डोमिनो वो भी राइट की तरफ गिर रहा है, मतलब राइट वाला राइट की तरफ गिर रहा है, और यहाँ से जो लेफ्ट है वो लेफ्ट की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो क्या हो रहा है कि दो इक्वल जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं इस डोमिनो पे। तो नेट फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो जीरो हो सकता है, और इन शॉर्ट टर्म्स में ये भी कर सकता हूँ कि दोनों तरफ से इक्वल नंबर ऑफ डोमिनोज एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो बीच वाला है उस पर नेट बैलेंस फोर्स या नेट फोर्स जो भी लगना चाहिए वो जीरो हो रहा है, इसलिए बीच वाला डोमिनोज खड़ा रहेगा। तो यहाँ पर भी वही सीन होता है कि कुछ डोमिनोज लेफ्ट की तरफ गिर रहे हैं, कुछ डोमिनोज राइट की तरफ गिर रहे हैं, और नेट फोर्स जीरो और इसलिए ये खड़े रहे। बट यहाँ पे कोई बीच में डोमिनोज नहीं था, इवन नंबर ऑफ डोमिनोज थे, तो हमें ऐसे दिखे। और यहाँ पे जो डोमिनोज जिन पे कोई इफेक्ट करने वाला था नहीं, जिनको कोई डिस्टर्ब करने वाला था नहीं, जो पहले भी खड़े थे और अभी भी खड़े हैं, तो वो ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो देखो, अब मैं बात करता हूँ हमारा आउटपुट जो है वो आउटपुट कैसे हमें गिवन होगा, देखो मतलब कैसे देना होगा। ये तो था हमारा इनपुट था, बट अगर हम जब आउटपुट की बात करें तो आउटपुट कैसे देना होगा। हर आउटपुट में हमें जो डोमिनो लेफ्ट की तरफ गिरने वाला है, जैसे इस डोमिनो की बात करनी, डोमिनो लेफ्ट की तरफ गिरने वाला है, तो इसने एक डोमिनो को डिस्टर्ब किया जो कि पहले सीधा खड़ा था, उस डोमिनो को डिस्टर्ब किया। तो हमने उस डोमिनो को डिस्टर्ब, वो जो डोमिनो गिर चुका है अपने, डिस्टर्ब हो चुका है अपने लेफ्ट वाले से, तो उन दोनों को लेफ्ट के लिए लिखते हैं। बट जो डोमिनो अनडिस्टर्ब रहा आफ्टर, मतलब इस माहौल के बाद भी, मतलब जब डोमिनोज गिर रहे थे उसके बाद भी जो ये अनडिस्टर्ब रहा, तो उसके लिए हम डॉट लिखेंगे। बट इनकी बात करें तो ये राइट की तरफ गिर रहे थे और इसने अपने राइट वाले को भी राइट में ही गिराया। बट जो बीच में डोमिनो था वो एज इट इज रहा, क्यों? क्योंकि उसमें नेट बैलेंस फोर्स राइट और लेफ्ट की तरफ से इक्वल रहा। तो ये डोमिनो लेफ्ट की तरफ गिरे तो इनमें लेफ्ट डाल देते हैं, ये दोनों डोमिनो राइट की तरफ गिरे और दो डोमिनो इक्वली लेफ्ट की तरफ गिरे, और ये दोनों सीधे खड़े रहे इसलिए डॉट लगाएंगे। तो इसमें अगर मैं डॉट की बात करूँ तो डॉट सिग्निफाइज कर रहा है कि उस पर आउटपुट में जो डॉट सिग्निफाइज कर रहा है कि उसमें नेट बैलेंस फोर्स या तो जीरो रहा या उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला था नहीं, ठीक है। और
जो लेफ्ट हाफ सिग्निफाइज कर रहा है कि डोमिनो लेफ्ट की तरफ गिर चुका है, और जो राइट हाफ सिग्निफाई कर रहा है डोमिनो राइट की तरफ गिर चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और उसको आउटपुट आंसर कैसे देना वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके एक बार ये पॉइंट्स जो भी हैं सारे खुद से एक बार पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं, मतलब बेशक आपको समझ आ गया हो क्वेश्चन, बट जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन के इनसाइट्स आपके मन में बनने लगते हैं, ठीक है, आपको अप्रोचेज आने लगती है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और अप्रोच आना जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो एक बार इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ने की कोशिश करें, और क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ने की नहीं, एक बार इसको ट्राई भी करके देखें कि इस क्वेश्चन को ट्राई मतलब सॉल्व करना कैसे है। तो अब क्या करते हैं, अब हम सीधा सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो उसके लिए मैं इसको हटा देता हूं यहां से। तो अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर मैं बात करूं हमारा जो आउटपुट था, जो अगर हमारा इनपुट था वो इनपुट कुछ ऐसा था, डॉट लेफ्ट डॉट राइट डॉट डॉट डॉट, यहां तक डॉट आ चुके हैं, फिर लेफ्ट राइट डॉट डॉट लेफ्ट डॉट डॉट। तो ये हमारा आउटपुट था, ठीक है, ये हमारा आउटपुट था। उसके लिए हमें कुछ सॉरी ये जो था ये हमारा इनपुट था, ये हमारा सॉरी यहाँ पे ये जो है ये हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ आउटपुट देना है, आउटपुट क्या देना है वो हम बाद में देखेंगे। देखो बट हम कैसे अप्रोच करते हैं पहले वो समझने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन का हम अप्रोच कैसे करेंगे, वो आउटपुट कैसे लेकर आएंगे वो बाद में देखेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ कि ना जैसे हम लिंक्ड लिस्ट में एक डमी नोड का कंसेप्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी मैं एक डमी डोमिनो का कंसेप्ट यूज करता हूँ, ठीक है। मतलब क्या करूंगा, मैं एक डोमिनो ऐड कर दूंगा लेफ्ट और राइट साइड में, बोथ द जो भी हमें आउटपुट एरे गिवन है उसमें जो भी डेटा है उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में मैं वो डमी डोमिनो ऐड कर दूंगा। देखो पहली बात तो हम डमी जब नोड यूज करते थे उसका सिग्निफिकेंस क्या होता था, देखो उसका सिग्निफिकेंस ये होता था कि जो भी हम नोड यूज कर रहे हैं एक्चुअली वो हमारे इनपुट एरे को कोई असर नहीं करेगा, इनपुट एरे हो गया लिंक्ड लिस्ट हो गया उस पर उसकी डेटा को चेंज नहीं करेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बट जो आंसर है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। तो सिमिलरली जो डोमिन डोमिनो हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो हमारे इस इनपुट में कोई असर नहीं डालेगा, बट हमारे ये सॉल्यूशन जो है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक लेफ्ट साइड में एक लेफ्ट डोमिनो डाल देता हूँ, एक राइट साइड में एक राइट डोमिनो डाल देता हूँ। तो ये लेफ्ट डोमिनो क्या है, जब भी अगर मैं बात करूँ गिरने की बात आएगी तो लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ गिर जाएगा। अब लेफ्ट इज द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है यहाँ पे, ये पूरा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, लेफ्ट के लेफ्ट में कुछ है नहीं तो वो चुप जगह के गिर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आर की बात करूँ तो आर जो है वो राइट का राइट मोस्ट एलिमेंट है, राइट आर का आर राइट मोस्ट एलिमेंट है, तो राइट में जाकर चुपचाप गिर जाएगा। तो ये जो डोमिनो है हम इसको कह सकते हैं डमी डोमिनो, क्योंकि ये सॉल्यूशन अचीव करने में तो हेल्प करेंगे, पर ये जो सॉल्यूशन है ये अचीव करने में हेल्प करेंगे, पर ये जो हमारा इनपुट है उसको कोई उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहे, ठीक है। अब समझते हैं कि हम क्वेश्चन को क्वेश्चन के लिए अप्रोच कैसे करेंगे, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ कि अब मैंने डमी डोमिनो लगा चुका हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना स्लॉट्स बना लेता हूँ, ठीक है, स्लॉट्स बना लेता हूँ, या मैं कहूँ कि सेक्शंस बना लेता हूँ और उन सेक्शंस पर वर्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक सेक्शन क्या हो जाएगा, एक सेक्शन ये हो जाएगा, अगर मैं सेक्शंस की बात करूँ तो एक सेक्शन ये हो सकता है, फिर एक सेक्शन ये हो सकता है, फिर एक सेक्शन ये हो सकता है, फिर एक ये हो सकता है, ऐसे ही आर से एल और ऐसे ही एल से आर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ नहीं आया होगा मैंने क्या कहा अभी। देखो समझने की कोशिश करते हैं फिर से समझने को। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अब पूरे एरे पर एक साथ काम नहीं करूँगा, मैं अब सेक्शंस के बेसिस पे काम करूँगा, ठीक है। सेक्शन के बेसिस पे क्यों काम कर रहा हूँ पहले वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखेंगे सेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। देखो जब अगर मैं इस डोमिनो की बात करूँ, अगर मैं इस डोमिनो की बात करूँ, इस वाले डोमिनो की बात करूँ, जब ये गिर रहा होगा, ये गिर रहा होगा तो ये किसको अफेक्ट करेगा, ये तो लेफ्ट तरफ गिर रहा है, तो ये लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट। देखो मैं यहाँ पे एक और मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारे पास एक डमी डोमिनो हमने ऐड करे है, ये गिरेगा लेफ्ट की तरफ, ये गिरेगा राइट की तरफ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये वाला जो डोमिनो है, ये वाला जो डोमिनो है जब ये गिर रहा होगा लेफ्ट की तरफ तो ये किन डोमिनोज को अफेक्ट करेगा, ये अपने सारे डोमिनोज जो इसके लेफ्ट साइड लगते हैं उनको अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये अपने सारे इन डोमिनोज को अफेक्ट करेगा यहाँ से यहाँ तक,
बट ये जो लेफ्ट डोमिनो जो लेफ्ट साइड गिर रहा है, क्या वो अपने राइट डोमिनो को अफेक्ट करेगा? नहीं भाई, राइट डोमिनो को थोड़ी अफेक्ट करेगा। और अगर मैं बात करूं इस डोमिनो की, ठीक है, इस डोमिनो की, तो ये क्या होगा कि ये अपने राइट हैंड साइड के डोमिनोज को अफेक्ट करेगा, ये लेफ्ट साइड के डोमिनोज का अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम सेक्शन वाइज काम करते हुए चलेंगे कि हम एक सेक्शन उठाएंगे, एक सेक्शन पर वर्क करेंगे। जैसे हमने इस सेक्शन की बात करूं, हम इस सेक्शन को उठाते हैं, इस सेक्शन पर वर्क करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से डोमिनोज लेफ्ट तरफ गिरेंगे, कौन कौन से डोमिनोज राइट तरफ गिरेंगे। जब इस सेक्शन का वर्क कंप्लीट हो चुका होगा, फिर हम यहां से इस वाले सेक्शन पे चलेंगे, ठीक है। फिर हाँ, पहले हमने ये वाला सेक्शन उठाएंगे, जब ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका होगा फिर हम इस सेक्शन पे चलेंगे, जब ये सेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका होगा फिर हम ये वाला सेक्शन उठाएंगे। सिमिलरली देखो, एल और आर तो बहुत छोटा सा सेक्शन है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी डोमिनोज लेफ्ट या राइट तरफ गिरने वाली है, हम उन दोनों डोमिनोज को इंक्लूड करते हुए उन दोनों के बीच के जितने भी डोमिनोज हैं उनको आंसर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब हम इन दोनों को इंक्लूड करते हुए इसके बीच में, मतलब इसका जो इफेक्ट होगा अपने नेबर पे वो क्या होगा, वो हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा हम सेक्शन में कैसे वर्क करेंगे। हम किन्हीं भी दो डोमिनो जो इधर लेफ्ट और राइट तरफ गिरने वाले हैं उन दोनों सेक्शंस को इंक्लूड करते हैं, उनके बीच के डोमिनो है उन पे वर्क करने की कोशिश करेंगे। अब जब हम वर्क करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से केसेस आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, या तो ये हो सकता है कि जो फर्स्ट डोमिनो है वो भी लेफ्ट तरफ गिरे और जो आखिरी का डोमिनो है वो भी राइट तरफ गिरे, लेफ्ट तरफ गिरे। जब दोनों डोमिनो लेफ्ट तरफ गिरते हैं तो उनके बीच के सारे डोमिनो लेफ्ट तरफ गिरेंगे, मतलब ऑल डोमिनोज लेफ्ट तरफ, सारे डोमिनो लेफ्ट तरफ गिरेंगे। समझने की कोशिश कर रहे हो आप? चलो फिर से समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने क्या अज्यूम करा है कि एक डमी डोमिनो है, वो कहाँ गिरेगा, वो लेफ्ट तरफ गिरेगा। और हम किस सेक्शन पे वर्क कर रहे हैं? सबसे पहले हम इस सेक्शन पे वर्क करेंगे। जब हम इस सेक्शन पे वर्क करने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो डोमिनो है और ये जो डोमिनो है दोनों के दोनों लेफ्ट तरफ ही गिर रहे हैं। जब दोनों लेफ्ट तरफ गिर रहे हैं तो इसके बीच वाला भी लेफ्ट तरफ गिरेगा। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा कि जब जो फर्स्ट डोमिनो है, जो दोनों मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं डोमिनोज के, सेक्शन के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो डिसाइड करेंगे उसके इनर पॉइंट्स का, इनर पॉइंट्स के बिहेवियर के बारे में, कि वो गिरेगा, वो खड़ा रहेगा, वो लेफ्ट तरफ गिरेगा, वो राइट तरफ गिरेगा, वो क्या करेगा, वो एक्सट्रीम पॉइंट डिसाइड करेंगे। जब दोनों एक्सट्रीम पॉइंट लेफ्ट तरफ गिर रहे होंगे इसका मतलब कि डोमिनो लेफ्ट तरफ ही गिरेगा। सिमिलरली केस आता है कि अगर दोनों डोमिनो राइट तरफ गिर रहे हो, तो अगर दोनों डोमिनो की मैं बात करूं, यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि कोई डोमिनो है वो राइट तरफ गिर रहा है, यहाँ पे हमने एक डमी डोमिनो बिठा ही रखा है। जब ये दोनों राइट की तरफ गिरने लगेंगे, ये दोनों ऐसे राइट की तरफ गिरने लगेंगे, तो इनके बीच का जो डोमिनो है, जो कि ये वाला डोमिनो, तो ये क्या करेगा, क्या ये लेफ्ट तरफ गिरने लगेगा? नहीं भाई, ये भी लेफ्ट राइट तरफ गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट किसी भी सेक्शन के वो डिसाइड करेंगे कि उसके बीच का जो डेटा है उसका बिहेवियर क्या होगा। तो इसलिए ये वाला जो डोमिनो है, ऑल डोमिनोज वो राइट तरफ गिरेंगे, ठीक है। अब ये था लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट का केस। देखो क्या होता है, कुछ ऐसा भी केस आ सकता है कि कुछ डोमिनो जो एक्सट्रीम पॉइंट है, जैसे इसकी बात करूं, इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो लेफ्ट तरफ गिरेगा और एक सेक्शन का जो राइट मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है वो राइट की तरफ गिरेगा। मतलब अगर एक डोमिनो लेफ्ट तरफ गिरता है और एक डोमिनो राइट तरफ गिरता है तो हमारे बीच का जो काम होगा वो क्या होगा, ठीक है, अब वो डिसाइड करेंगे। जब अगर मैं बात करूं इसकी, हाँ, तो इस वाले एक को ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले सेक्शन को इंक्लूड करते हैं। यहाँ से अब हम काम करेंगे इस वाले सेक्शन पे, इस वाले सेक्शन को गौर से देखिएगा, ठीक है। इसका अगर मैं लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट की बात करूँ, लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, ये वाला, वो क्या कर रहा है, वो लेफ्ट की तरफ गिर रहा है। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ जो कि है राइट एक्सट्रीम पॉइंट, वो क्या कर रहा है, वो राइट की तरफ गिर रहा है। अब जब लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ गिर रहा है, राइट वाला राइट की तरफ गिर रहा है, तो जो बीच में दोनों डोमिनो के बीच में जितने भी डोमिनोज अगर खड़े होंगे या पोज खड़े होंगे, तो क्या उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, क्या उन पर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी? नहीं। तो ये क्या करेंगे, ये वाले डोमिनो एज इट इज खड़े रहेंगे, ठीक है, ये डोमिनो एज इट इज खड़े रहेंगे, इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बट वहीं अगर मैं बात करूं अगर लेफ्ट वाला जो डोमिनो है, अगर लेफ्ट साइड में जो डोमिनो है वो राइट साइड गिर रहा होगा और राइट साइड में जो डोमिनो है वो लेफ्ट तरफ गिर रहा होगा, तो उसके लिए कौन सा केस आएगा, उसके लिए आएगा यहां से लेके जो सेक्शन बनता है वो यहां से लेके
यहाँ वाला, अब इस सेक्शन को समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे जो एक्सट्रीम मोस्ट लेफ्ट का जो एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट है वो क्या कर रहा है, वो राइट साइड गिर रहा है, ठीक है, वो कुछ ऐसे गिर रहा है सेंटर की तरफ। अगर मैं बात करूँ जो राइट का एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट है, राइट का जो एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट है वो क्या कर रहा है, वो लेफ्ट तरफ गिर रहा है, वो भी सेंटर की तरफ गिर रहा है। जब दोनों पॉइंट सेंटर की तरफ गिरने लगते हैं तो हमारे पास कुछ कंडीशन आती हैं, ठीक है, वो कंडीशन क्यों आती है वो समझेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सम वर्क नीड टू बी, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ काम करना पड़ेगा। अभी वो हम काम समझेंगे कि अब हमें काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं, ठीक है, आपको पता चल चुका है कि कुछ काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, तो वो दो केसेस समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि जब इनके बीच में जो लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट, अगर मैं सेक्शन की बात करूँ, सेक्शन में लेफ्ट एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट और राइट एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट को छोड़ के, दोनों को एक्सक्लूड करके, अगर इवन नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, दोनों को एक्सक्लूड करके अगर इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स निकल के आते हैं तो क्या होगा, मेरे जो भी इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स निकल के आते हैं तो उसमें से जो मेरे आधे डोमिनोज हैं, हाफ ऑफ द डोमिनोज स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड गिरेंगे एंड हाफ डोमिनोज राइट हैंड साइड गिरेंगे। अब ये समझने की कोशिश करते हैं वो कैसे गिरेंगे। देखो इस उसके लिए ये वाला केस अपनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सारे केसेस हैं, हम अब ये वाला केस समझेंगे। उसके लिए ये वाला डोमिनो, अगर इस वाले डोमिनो की बात करो तो क्या है, इस वाले सेक्शन पे हम काम कर रहे हैं। अब मैंने क्या कहा कि जब लेफ्ट एक्सट्रीम मोस्ट डोमिनो जो है वो जब वो राइट साइड गिरने लगे, और जब राइट एक्सट्रीम मोस्ट डोमिनो है वो लेफ्ट साइड गिरने लगे, तो हमें कुछ काम करना पड़ता है। काम क्या करना पड़ता है, काम हमें किसी कंडीशन पे डिपेंड होता है, ठीक है, वो कंडीशन क्या वो समझते हैं। अगर इन दोनों जो एक्सट्रीम मोस्ट डोमिनोज हैं उनका एक्सक्लूड करते हुए अगर मैं अंदर जितने भी डोमिनोज उन दोनों एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट में लाई करते हैं, सेक्शन में लाई करते हैं, अगर मैं उन्हें काउंट करूंगा, वो इवन काउंट है, इवन नंबर ऑफ डोमिनोज निकल के आते हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि आधे डोमिनो उनमें से लेफ्ट तरफ गिर जाएंगे, आधे डोमिनो उनमें से राइट तरफ गिर जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल नंबर मतलब इवन नंबर ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे दो डोमिनो बचते हैं लेफ्ट और राइट को छोड़ के, तो लेफ्ट और राइट में से क्या हुआ, एक डोमिनो लेफ्ट तरफ गिर गया और एक डोमिनो राइट तरफ गिर गया। समझ आया आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा ही केस आता है जब हाफ ऑफ द डोमिनोज ओड होते हैं, ठीक है, वो समझते हैं, जब हाफ डोमिनोज ये जो था ये इवन का केस था, बट अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ओड का केस है। जब ओड का केस आता है तो इसमें क्या होता है, इसमें बीच सेंटर नोड को छोड़ के जो उसके सेंटर नोड के लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी नोड्स बसते हैं, सेंटर डोमिनो को छोड़ के उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी डोमिनो बसते हैं वो लेफ्ट तरफ गिरते हैं, और सेंटर नोड के छोड़ के सेंटर नोड के राइट हैंड साइड वाले जितने भी डोमिनो बसते हैं वो राइट साइड गिरते हैं। आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया, जो जो लेफ्ट वाले हैं वो राइट तरफ गिरते हैं और जो राइट वाले हैं वो लेफ्ट तरफ गिरते हैं, ठीक है, ये हमारा आउटपुट फॉर्मेट होता है। अब इसको समझते हैं ये कैसे होता है। देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये वाले डोमिनो का केस हैंडल करेंगे। क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जो लेफ्ट एक्सट्रीम मोस्ट जो डोमिनो है वो राइट हैंड गिर रहा है, एंड जो राइट एक्सट्रीम मोस्ट डोमिनो है वो लेफ्ट साइड गिर रहा है, ठीक है, तो मतलब इसमें हमें कुछ काम करना पड़ेगा। अब इनके बीच के डोमिनोज देखते हैं कि एक्सक्लूडिंग द अगर मैं एक्सक्लूड करूं दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस को तो उनके बीच में कितने डोमिनो आ रहे, तो यहाँ पे आते हैं तीन डोमिनोज, ठीक है, तीन डोमिनोज आ रहे हैं। मैंने कहा ये नंबर जो काउंट आया वो ओड आया, मतलब ओड नंबर ऑफ डोमिनोज दोनों एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट के बीच में लाई करते हैं, दोनों एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट के बीच में अगर ओड नंबर ऑफ डोमिनोज लाई करते हैं तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो सेंटर डोमिनो रहेगा इस डोमिनो को छोड़ के, इसके जितने भी लेफ्ट वाले हैं वो सारे राइट हैंड साइड गिर जाएंगे और जितने भी राइट वाले हैं वो सारे लेफ्ट हैंड साइड गिर जाएंगे, मतलब वो अपने लेफ्ट एक्सट्रीम मोस्ट एंड राइट एक्सट्रीम मोस्ट को फॉलो करते हुए उनकी डायरेक्शन में गिरेंगे, बट जो सेंटर वाला रहे सेंटर वाला जो डोमिनो है वो एज इट इज सिंगल खड़ा रहेगा, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग, एक्चुअली उस पर एक्सटर्नल फोर्स तो लगेगा बट
पर जो फोर्स लगेगा वो बैलेंस फोर्स लगेगा, और बैलेंस फोर्स के लिए जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आएगा, इसलिए डोमिनो खड़ा रह जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना, मतलब हमारी बेसिक अप्रोच ये है कि हमें हेल्पर डोमिनो और मैं कहूँ तो डमी डोमिनो ऐड करेंगे लेफ्ट एंड राइट साइड में, और वो डमी डोमिनो हम ऐसे ऐड करेंगे कि वो हमारे जो इनपुट है उसको कोई भी इफेक्ट ना करे। मतलब हम क्या करेंगे, लेफ्ट पोजीशन पे एक ऐसा डोमिनो डालेंगे जो लेफ्ट तरफ गिरे, और राइट डोमिनो पे एक ऐसा पोजीशन एक ऐसे डोमिनो डालेंगे जो राइट तरफ गिरे। ठीक है, और ये डालने के बाद क्या करेंगे, हम अपने जो आइट्रेशन है, जो वर्क है, वो हम सेक्शन बाय सेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। हम एक बार में पूरे एरे पर काम नहीं करेंगे, हम हर बार एक सेक्शन उठाएंगे और उस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो डोमिनोज बीच में बसते हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे अपने लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के बिहेवियर के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आप क्या करते हैं, आप सीधा पैपकोडिंग के पोर्टल पे चलते हैं और कोड करते हैं। तो ये हमारा पैपकोडिंग का पोर्टल है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये फंक्शन कंप्लीट करना है। तो अब इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ कोड लिखूंगा और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कोड काम क्या कर रहा है। तो सबसे पहले मैं कोड लिखता हूँ, वेक्टर कैर एयर प्लस टू। ठीक है, और उसके बाद एयर आर के जीरो पे डाल देंगे लेफ्ट। मुझे उम्मीद है ये सब आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि जो भी हमने अप्रोच डिस्कस करी है हम सिर्फ वही लिखेंगे। ठीक है, एरे डॉट साइज यहाँ पे हम डाल दें, अरे राइट। ठीक है, बाकी चलते हैं, आई इक्वल्स टू वन से आई इज लेस देन इक्वल्स एरे के साइज तक, और आई प्लस प्लस क्या क्या करेंगे, एरे के आई वाले पोजिशन पे एस टी आर आई माइनस वन डाल देंगे। ठीक है, आई माइनस वन डाल देंगे, और अब क्या करेंगे, देखो यहाँ तक, अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरे को पता था कि मेरे को आंसर अचीव करने के लिए मुझे कुछ डोमिनोज ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, डमी डोमिनोज एक एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे, एक एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे, तो मैंने वही एक नया वेक्टर एरे क्रिएट करके उन दोनों पोजीशंस को ऐड करा। अब क्या करेंगे, देखो अब मैं फिर से कुछ कोड लिखता हूँ, इंट आई जी इक्वल्स टू के, इंट के इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये कोड लिखा है, अब क्या होगा, व्हाइल के इज लेस देन एरे डॉट साइज, व्हाइल के इज लेस देन एरे डॉट साइज एंड व्हाइल एरे के इक्वल्स टू डॉट, दिस इज द थिंग व्हाट आई डू, आई जस्ट अपडेट द के प्लस प्लस, एंड वन मोर थिंग लेट मी राइट इट, इफ के माइनस जे इज ग्रेटर देन वन, इफ के माइनस जे इज ग्रेटर देन वन, व्हाट आई डू, आई कॉल अ फंक्शन व्हाइल दैट इज द सोल्व कॉन्फ़िगरेशन। सो ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा और उसको कॉल करूंगा, और उसका कोड जो है अभी जल्दी लिखेंगे हम, वो फंक्शन क्या करेगा वो हमें जल्दी पता चल जाएगा, बट सिर्फ इस कंडीशन पे क्यों कॉल करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे पहले। कॉन्फ़िगरेशन पास करूंगा एरे जे और के को, ठीक है, और लास्ट में जे कोस टू के करना है और के को बढ़ा देना है। ठीक है, अब समझते हैं कि हमने अब तक क्या लिखा है। देखो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे एरे बना चुके हैं, वो हमें पता चल चुका है। अब मैंने क्या कहा कि मेरे को हर बार सेक्शन, मैं एक सेक्शन पे वर्क करूंगा। ठीक है, इसलिए ये जो बाहर का लूप है ये क्या करेगा, ये पूरे एरे पर आइटरेट करने में हेल्प करेगा, बट जो अंदर का लूप है वो एक सेक्शन को फेच आउट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमने एक सेक्शन निकाल लिया। अब सेक्शन पे भी हम तभी काम करेंगे ना, देखो एक बात समझने की कोशिश करना, अगर दो डोमिनोज हैं बिल्कुल पास पास, एक लेफ्ट तरफ गिर जाएगा एक राइट तरफ गिर जाएगा, और इनके बीच में कोई डोमिनो है ही नहीं, तो क्या इन दोनों का इम्पैक्ट उस बीच वाले पर आएगा, क्योंकि बीच में तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम जो सोल्व कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फंक्शन है वो हम सिर्फ उन्हीं पर लगाएंगे, उन्हीं फंक्शंस पे लगाएंगे जिनके बीच में कुछ डोमिनोज होंगे। क्यों, क्योंकि हमें एट लास्ट क्या करना है, हमें ये जो एक्सट्रीम मोस्ट डोमिनोज हैं उनका इम्पैक्ट ही तो ढूंढना है बाकी बचे हुए डोमिनोज पे, कि वो अपने नेबर्स में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अगर उन दोनों डोमिनोज के बीच में कोई नेबर है ही नहीं, तो डेट डजेंट मतलब ये जो हमारा सोल्व कॉन्फ़िगरेशन का फंक्शन है वो कॉल करना बेकार हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अरे यहाँ पे दी हुई कि जे इक्वल्स टू के एंड के प्लस प्लस, यहाँ तो हाँ हम ये फंक्शन जो है ये हम तभी कॉल कर रहे हैं जब एटलीस्ट एक, कम से कम अगर एक भी होगा ना दोनों डोमिनोज के बीच में,
एक ऐसा डोमिनो जिस पे कोई वर्क नहीं करा, तो हम इसको कॉल कर देंगे। अभी इस फंक्शन का फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, जो फंक्शन था जो कि है वर्ड सोल्व कॉन्फ़िगरेशन, सोल्व कॉन्फ़िगरेशन, ये फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या लेगा, कुछ पैरामीटर्स लेगा जो कि है वेक्टर, वेक्टर कैर रेफरेंस एरे इंट आई इंट जे। अब हमने पढ़ा था, मतलब जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमें पता था कि हमारे पास चार कंडीशन है, कौन कौन से। अगर एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट लेफ्ट में है तो सारे डोमिनोज लेफ्ट की तरफ गिरेंगे, अगर एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट राइट की तरफ जा रहे हैं तो सारे डोमिनोज राइट की तरफ जाएंगे, अगर एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट लेफ्ट में गिर रहा है लेफ्ट वाला लेफ्ट में गिर रहा है राइट वाला राइट में गिर रहा है तो हमें कुछ काम ही नहीं करना, ठीक है। अगर एक्सट्रीम वाला लेफ्ट वाला राइट की तरफ गिर रहा है राइट वाला लेफ्ट की तरफ गिर रहा है तो क्या हो रहा है, तो अब कुछ केसेस बनते हैं। क्या क्या केसेस थे, दो केसेस थे कि या तो हमारा जो नेट बैलेंस फोर्स है वो जीरो हो जाएगा बीच वाले डोमिनो पे, अदरवाइज क्या होगा कि लेफ्ट वाले लेफ्ट की तरफ गिरेंगे राइट वाले राइट की तरफ गिरेंगे और एक पॉइंट पे आधे लेफ्ट की तरफ हो रहे होंगे और आधे राइट की तरफ हो रहे होंगे, ठीक है। तो मैं ये सारी कंडीशंस जल्दी जल्दी लिख देता हूं। अगर एरे का आई लेफ्ट की तरफ गिर रहा है, अगर एरे का आई लेफ्ट की तरफ गिर रहा है एंड एरे का जे राइट की तरफ भी लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो मैं हम क्या करेंगे, तो हम कुछ काम करेंगे, फोर इंट के इक्वल्स टू आई से चल के फोर के आई से चल के सॉरी आई प्लस वन से चल के के इज लेस देन जे तक जाएंगे, के के प्लस प्लस करेंगे और एरे की के पोजिशन पे हम क्या करेंगे लेफ्ट की तरफ गिरा देंगे सारे डोमिनोज को, ठीक है। एल्स इफ हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि डोमिनो जो है वो राइट की तरफ तो नहीं गिर रहे सारे के सारे, ठीक है। अगर लेफ्ट वाला भी राइट की तरफ गिर रहा हो और राइट वाला एरे जे वाला भी राइट की तरफ गिर रहा हो, अगर ऐसा हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम एक लूप चलाएंगे और सारे के सारे डोमिनो जितने भी थे सबको राइट की तरफ गिरा देंगे। तो यहाँ पे इसलिए इसको पेस्ट करते हैं और टाइम बचाते हैं, k प्लस वन से चलेंगे k इज लेस देन j सबको राइट की तरफ गिरा देंगे, ठीक है। अब एक else if का केस आता है, else if जब लेफ्ट वाला तो लेफ्ट में गिर जाए राइट वाला राइट में गिर जाए तो वो किसी को इम्पैक्ट ही नहीं करेंगे, मतलब कुछ काम ही नहीं बनता, उनके बीच के डोमिनो एज इट इज रहेंगे। यानी एरे का आई जो है वो तो लेफ्ट की तरफ गिरे बट एरे का जो जे वाला है वो राइट की तरफ गिर जाए, अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें है नथिंग टू डू क्योंकि हमारे पास कुछ काम ही नहीं है करने को। अदरवाइज हमारे पास एक बहुत बड़ा केस आता है, बड़ा केस क्या आएगा, बड़ा केस कुछ नहीं है, इस केस में क्या होता है हमें एक चीज हैंडल करनी है, क्या हैंडल करनी है, इसमें लेफ्ट वाला राइट की तरफ गिर रहा है राइट वाला लेफ्ट की तरफ गिर रहा है तो इसमें केस आता है कि जो बीच वाला डोमिनो है उस पर नेट बैलेंस फोर्स जीरो हो सकता है, मतलब वाला खड़ा रह सकता है, ठीक है। तो हमें वो ढूंढने की जरूरत है, एंड डिफरेंस सबसे पहले क्या करें, डिफरेंस चेक करेंगे जे माइनस आई का, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे कि जो नोड्स हैं वो इवन है या ओड है, ठीक है। नोड्स अगर इवन है तो हम कुछ काम करेंगे, ओड्स हैं तो कुछ काम करेंगे, तो इंट डिफरेंस मॉड्यूलस टू अगर इवन है तो कुछ काम करेंगे, एल्स है तो भी हम कुछ काम करेंगे। इंट डिफरेंस मॉड्यूलस टू इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे हमने मिड निकाल लेते हैं, मिड इक्वल्स टू आई प्लस जे डिवाइडेड बाई टू। और अब क्या करेंगे, लूप चलेंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू फोर इंट के इक्वल्स टू आई प्लस वन, के इक्वल्स टू आई प्लस वन से के इज फोर इंट आई इक्वल्स टू के इक्वल्स टू आई प्लस वन से के इज लेस देन मिड तक एंड के प्लस प्लस। यहाँ पे यहाँ पर एक लूप चलाएंगे, एरे की kth पोजिशन जो है वो r की तरफ गिरेगी, ठीक है। और एक लूप होगा यहाँ पे, उसमें क्या होगा, वो वाला पहली बात है वो लूप जो चलेगा वो मिड प्लस वन से चलेगा, मिड प्लस वन से चलेगा जब तक k इज लेस देन j रहेगा तब तक चलेगा, k की वैल्यू बढ़ती रहेगी, यहाँ पे k जो है वो लेफ्ट तरफ गिरता रहेगा, ठीक है। अदरवाइज जहाँ पे ओड होंगे तो वहां पे भी हम क्या काम करेंगे, सेम टाइप का काम करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे जो मिड वाली है वो हमारे पास जो रहेगी नोड रहेगी
जो डोमिनो की बात करें तो वो खड़ी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आई प्लस वन के इज लेस देन इक्वल्स टू मिड तक चलेंगे हम यहाँ पे, और के प्लस प्लस करेंगे यहाँ पे भी आर से अपडेट होगा, के इक्वल्स टू मिड प्लस वन से चलेंगे, के इज लेस देन जे तक जाएंगे। सो अब लास्ट काम जो हमारे पास यहाँ रह जाता है वो है जो हमारे पास आंसर आया करेक्टर अरे, ठीक है, उसको अब हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करना है। तो हम कुछ नहीं करते, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं रिजल्ट नाम की, स्ट्रिंग लेंगे रिजल्ट नाम की, तो फोर इंट आई इक्वल्स टू वन, ठीक है, आई इज लेस देन एरे डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, ये हम क्या करेंगे अब इसको रिजल्टेंट में ऐड कर देंगे, रिजल्टेंट प्लस इक्वल्स टू एरे आई एंड लास्ट में रिटर्न कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ से साइज माइनस वन तक जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने लास्ट में दो डोमिनो ऐड कर रखे हैं, उन दोनों डोमिनो को हमें रिमूव करके अपना आउटपुट भेजना है, उन डोमिनोज को हम नहीं भेज सकते क्योंकि वो डोमिनो हमने खुद ने ऐड करे हैं, ठीक है, डमी डोमिनो जिन्हें कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको रन करके देखते हैं क्योंकि कोड हमारा पूरा हो चुका है, अगर कुछ एरर आएंगे तो हम एट ए टाइम वहीं पर रिजोल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जो एरर आया लाइन नंबर, तो जो एरर है वो यहाँ आ रही है क्योंकि स्ट्रिंग में लेंथ फंक्शन नहीं होता, साइज फंक्शन होता है और हमने लेंथ लिख दिया करते थे। तो अब इसको रन करके देखते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली ये रन करेगा हमारे सारे टेस्ट केसेस के लिए। पहले इसको नॉर्मल डिफॉल्ट टेस्ट केस पास हो रहा है, सारे टेस्ट केसेस पर रन कर लेते हैं, और ये काफ़ी टाइम ले रहा है रन करने में, बट मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारे कुछ टेस्ट केस फेल हो रहा है, हमारा एक टेस्ट केस फेल हो रहा है, तो मैं देखता हूँ कि वो टेस्ट केस फेल क्यों हो रहा है। Okay, so our error was here just because the if we have created the array of size string dot size plus 2, then we can't miss the position. The location that we are accessing right now is not an exact position. Okay, it means it is out of bound. Means out of bound position ko hum access kar rahe hain. ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस में लगेगा, और यहाँ पे भी जो हम iterate करेंगे वहाँ पे कम पोजीशन तक करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो जिस पोजीशन पे हम एक्सेस कर रहे हैं एरे डॉट साइज की, जिस पोजीशन को हम एक्सेस कर रहे थे और अपडेट कर रहे थे स्ट्रिंग की, उस पोजीशन पे कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है, उस पोजीशन पे तो हमें रखना था जो कि है डमिनो। तो अब इसको रन करके देखते हैं, और अब ये सारे केसेस के लिए परफेक्टली रन करेगा। तो ये छोटी मोटी गलती कोड लिखते हुए हो जाती है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मत करना ऐसी गलती, ठीक है। और वन मोर थिंग इज दैट कि आप एक बार अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आ गया तो एक बार ये क्वेश्चन खुद से पढ़ के खुद से ट्राई करने की जरूर कोशिश करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।